हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय सु जोहार, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ ईवा और आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारा स्वागत है। और शाम को मैं क्या बना रही हूँ, पत्ता गोभी और ग्रीन मटर का सिंपल से डिश, मतलब हेल्दी खाना है, रोटी चावल जो भी खा सकते हैं उसके साथ। और मैं अभी कुछ दिखाऊंगी, उसका रेसिपी वाला वीडियो बनाऊंगी और दिखाऊंगी। तो मेरे को एक जन गिफ्ट दिए हैं और मैं कुछ खरीदी भी हूँ, तो उसको भी दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए मैं क्या खरीदी हूँ। मैं इसको कब से खरीदूंगी बोल रही थी, पर मेरे को टाइम नहीं हो रहा था, तो मैं एक जन को बोली खरीद के ला दीजिएगा और मैं आपको पैसा दे दूंगी। तो मेरे लिए कलकत्ता गए थे लोग, उस टाइम इसको खरीद के ला दिए। आपको पता होगा ये क्या है, मेरे को वीडियो बनाने में दिक्कत होता है इसलिए मैं इसको ले ली हूँ। और ये बहुत अच्छा भी है, मतलब ऐसे सेल्फी करके हम फोटो वीडियो सब बना सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे देखिए नीचे जो है इसको हम लोग ऐसे खोल के भी स्टैंड जैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक चीज इसको मैं कर दी हूँ, और एक चीज दिखाऊंगी, उसको मुझे गिफ्ट पे मिलना है। इसको ज्यादा प्राइस नहीं लिया था, ओनली 250। अच्छा है ना, सेल्फी स्टिक और स्टैंड भी है यहाँ पे दिखाई। इसको मैं खरीदी हूँ, अभी मैं और एक चीज दिखाऊंगी, उसको मुझे मेरे जूनियर लोग गिफ्ट दिए हैं। ये देखिए ये शॉल है, अच्छा दिख रहा है ना। इसको मैं बाद में दिखा दूंगी अच्छा से, अभी ही दिखा दे रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अच्छा लग रहा है ना, सॉल है, अच्छा लग रहा है मेरे को तो, कलर भी अच्छा लग रहा है। आपको मैं शेयर कर दी। और देखिए मैं दो चीज नया ले ली हूँ तो बता दी। चलते हैं अभी खाना बनाने के लिए, इवनिंग में मतलब डिनर के लिए। अच्छा लग रहा है ना दोस्तों, देखिए पास से दिखा रही है, सॉल है, ये है ग्रीन मटर फ्रेंड्स। अभी ठंडा का टाइम है तो ये तो बहुत ज्यादा मार्केट में मिलता है। और यहाँ पे है बंधा गोभी, ये दोनों को मिक्स करके एक अच्छा सा सिंपल सा हेल्दी सा सब्जी बनाएंगे। और अभी मैं कढ़ाई को बैठा दी हूँ, कढ़ाई गरम हो गया आई थिंक, और थोड़ा देर में तेल दे देंगे कढ़ाई पे। कढ़ाई गरम हो गया, अभी हम लोग इसमें सरसों का तेल देंगे। तेल दे दी सरसों का तेल, मैं इसको भुजा बनाऊंगी, थोड़ा ज़्यादा तेल दी हूँ। तेल गरम हो गया है, अभी हम लोग इसमें प्याज और मिर्ची देंगे। दो मिर्ची और एक प्याज काट दी हूँ फ्रेंड्स, प्याज और मिर्ची को दे दूँ मैं। और यहाँ पे थोड़ा सा लहसुन है, लहसुन को भी दे देंगे। प्याज मिर्ची और लहसुन हम लोग का हो गया, अभी हम लोग इसमें देंगे हल्दी। ये थोड़ा सा अलग स्टाइल का भोजा बना रहे, हल्दी दे दे रही हूँ अभी, ये हल्दी को अच्छा से मिक्स कर दे रही हूँ। तब तक मैं अपना सब्जी को धो लेती हूँ फ्रेंड्स। मटर धो ली, अभी इसमें दे दूंगी, मटर को अच्छा से मिक्स कर दे रही हूँ। पहले मटर दे दी हूँ, ये हल्का सा फ्राई जैसे हो जाएगा, उसके बाद इसमें पत्ता गोभी को दे देंगे। मटर हो गया और अभी हम लोग पत्ता गोभी के इसमें ऐड करेंगे। पत्ता गोभी को भी दे दी, अभी इसको अच्छा से मिक्स कर रही हूँ, अच्छा से मिक्स कर दी। अभी थोड़ा देर ढक्कन लगा देंगे दोस्तों। अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा तरकारी मसाला दे देंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा दे देंगे और अच्छा से मिक्स कर देंगे इसको। तरकारी मसाला को अच्छा से मिक्स कर दिया, अभी यहाँ पे स्वाद का अनुसार नमक देंगे। स्वाद का अनुसार दीजिएगा नमक दोस्तों, आपका कितना क्वांटिटी में है सब्जी। यहाँ पे दाल बैठा है दोस्तों, कुर्थी का दाल। सब्जी थोड़ा पक गया है दोस्तों और अभी हम लोग इसमें टमाटर देंगे। मैं भोजा बना रही हूँ फिर भी टमाटर दे रही हूँ, क्योंकि टमाटर देने से सब्जी का टेस्ट
दुगना हो जाता है, बढ़ जाता है। अच्छा से मिक्स करती हूँ, पानी भी निकल रहा है, देखिए थोड़ा देर ढक के रखते हैं। और बाहर में चावल लगाए हैं दोस्तों, अंदर में दाल और भुजा हो रहा है, और यहाँ पर चावल बैठा है, डिनर का हो रहा है प्रोग्राम, चावल दाल और भुजिया। मैं उसने दिखा इतना वाला चूल्हा बहुत अच्छा है, देखिए कितना अच्छा समकच खाना बन जा रहा है। अंधेरा भी हो गया है, स्टार भी निकल आया है देखिए। और हम लोग कभी खाना बना रहे हैं डिनर। टमाटर दी थी, उसी का कैसे पानी निकल रहा है देखिए दोस्तों। ये पानी निकल के बंद होगा, उसके बाद हम लोग का सब्जी और भी टेस्टी दिखेगा। हम लोग का भुजा लगभग हो गया है, और अभी हम लोग इसमें थोड़ा देते रहे कोरिएंडर पत्ता, मतलब कि धनिया का पत्ता। अच्छा से मिक्स कर दी हूँ दोस्तों, और थोड़ा देर उसके बाद उतारेंगे हम लोग का। हम लोग का सब्जी कैसा दिख रहा है, सिंपल है, टेस्टी है और हेल्दी भी है। फ्रेंड्स, आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा नए हैं हमारे चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स कितना सुंदर दिख रहा है, अभी हम लोग गैस को बंद कर रहे हैं। आप इसको रोटी के साथ खा सकते हैं, चावल के साथ भी खा सकते हैं। बाय बाय दोस्तों, टेस्टी टेस्टी खाना, हेल्दी हेल्दी खाना।